हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के जी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपके सामने डेज, वीक, मिनिस्टर और एसएनपी रेट का जो है वो वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, उससे पहले मैं एक थोड़ी सी चीज क्लैरिफाई कर दूं। हमने पिछला जो वीडियो था ईसीसी से रिलेटेड जो वीडियो था मॉक टेस्ट का, उसमें जो पहला क्वेश्चन था उसको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ दोबारा से। एक्चुअली उसमें जो लिखा हुआ था कि ईसीसी का जो टाइम है वो शेड्यूल कितना होगा, तो वो लगभग 4 घंटे का लिखा हुआ था उसमें। ठीक है, उसमें मॉर्निंग और स्नैक्स टाइम के अलावा लिखा हुआ था, लेकिन ओवरऑल अगर हम टाइम टेबल देखें 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का वो 4 घंटे का टाइम टेबल, उसमें वो आधे आधे घंटे का मॉर्निंग स्नैक्स भी है, प्रार्थना वगैरह सारा कुछ शामिल करके है वो 4 घंटे का। ठीक है, वो उसके अलावा नहीं है, क्योंकि फिर 2 से 3 बजे तक जो है वो रिकॉर्ड का और गृह भ्रमण का टाइम जो है वो सब जो है उसमें शामिल होता है। क्योंकि आंगनवाड़ी तो 10 से लेके 3 बजे तक या 9 से लेके 2 बजे तक टोटल 5 घंटे लगता है, तो 4 घंटे का जो टाइम टेबल जो बनाया गया है ना, वो टाइम टेबल का शेड्यूल है एक्चुअली। ठीक है, तो जो टाइम टेबल में ही उसमें मॉर्निंग स्नैक्स और दोपहर का भोजन और सारा कुछ शामिल कर लिया गया है। तो मैंने कहा कि वो एक क्वेश्चन का क्लैरिफिकेशन है, आंसर उसका ठीक है। ईसीसी टाइम टेबल जो है वो उसकी जो अवधि कितनी है वो 4 घंटे ही है, 10 से लेके 2 बजे तक टाइम टेबल भी उसी हिसाब से बनाया गया। ठीक है, तो सिर्फ जो क्लैरिफिकेशन दे रहा था मैं उसमें थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, क्योंकि उसमें ईसीसी का जो आपका जो 11 नॉन निगोशिएबल जो स्टैंडर्ड्स बताए गए थे, तो उसमें मॉर्निंग स्नैक्स और वो खुद ही उसमें लिखा हुआ था कि अलावा, लेकिन जो हमारे अपना हिमाचल का जो बना हुआ है तो उसमें जो है वो 10 से 2 का टाइम टेबल है ईसीसी का। ठीक है, तो उसमें ही ये सब इंक्लूड कर दिया गया है। 3 घंटे तो लगभग आपका जो है वो 5 और प्लस 1 विषय वार्तालाप, मतलब 6 जो टॉपिक्स हैं आधे आधे घंटे के, तो 3 घंटा वहां पे है। 15 मिनट का नाश्ता है, 15 मिनट का आपका दोपहर का भोजन है, और आधे घंटे का आपका जो 10 से 10:30 बजे तक प्रार्थना वगैरह है, तो वो सारा मिला के 4 घंटे में जो है वो शामिल किया गया है। ठीक है, तो 4 घंटे का ईसीसी का पाठ्यक्रम है और 1 घंटे का जो बाद में रिकॉर्ड मेंटेनेंस और कराया, टोटल 5 घंटे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्लैरिफाई कर दिया है। ठीक है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो ईसीसी के वो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर उसका ठीक है। ठीक है, 11 नॉन निगोशिएबल स्टैंडर्ड के हिसाब से 4 घंटे का जो है वो पाठ्यक्रम है। ठीक है, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन जो मैंने दिया था वो उसको चेंज कर दिया मैंने, क्योंकि वहां पे बीच में आया था वो। ठीक है, वो हिमाचल के कॉन्टेस्ट में थोड़ा सा अलग हो गया ईसीसी के जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं डेज और वीक के। पहला क्वेश्चन है, एड्स दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? एड्स डे, ए ऑप्शन है 10 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 1 नवंबर, सी ऑप्शन है 1 दिसंबर, डी ऑप्शन है 1 फरवरी। ठीक है, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, ए 10 अक्टूबर, बी 1 नवंबर, सी 1 दिसंबर, डी 1 फरवरी। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं, ये एग्जाम में आया हुआ भी है। ठीक है, हर महीने 1 दिसंबर को जो है वो एड्स डे मनाया जाता है। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म है, और उसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया 1 दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? ठीक है, यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? ए 11 अक्टूबर, बी 11 नवंबर, सी 11 दिसंबर, डी जो है वो 11 जनवरी। यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? ठीक है, ए ऑप्शन 11 अक्टूबर, बी 11 नवंबर, सी 11 दिसंबर, डी जो है वो 11 जनवरी। ठीक है, इसको हम अपने अपना आंसर चूज कर लिए, हम आंसर देखते हैं इसको। इसका आंसर है 11 दिसंबर। ठीक है, तो यूनिसेफ डे जो है 11 दिसंबर, और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें फंड मिलता है वहां से, यूनिसेफ से ही, ICDS को। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष है ये, इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपने इसका मुख्यालय 1946 में एस्टेब्लिश हुआ था, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है ये आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, 11 दिसंबर यूनिसेफ डे मनाया जाता है। ठीक है, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अगले दिन क्या मनाया जाता है? ठीक है, ए राजत्व दिवस, बी हिमाचल दिवस, सी गणतंत्र दिवस, सी डी जो है स्वतंत्रता दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अगले दिन क्या मनाया जाता है? ए राजत्व दिवस, बी हिमाचल दिवस, सी गणतंत्र दिवस, डी जो है वो स्वतंत्रता दिवस। आने वाला है राष्ट्रीय बालिका दिवस, या हो सकता है जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो उस दिन ही राष्ट्रीय बालिका दिवस हो। ठीक है, तो
उसके अगले दिन क्या होता है, तो पहले आंसर देख लेते हैं हम। आंसर है इसका राजत्व दिवस, इंग्लिश में इसको स्टेटहुड डे कहा जाता है। हिमाचल दिवस को हिमाचल डे, गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, जिस दिन संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र का मतलब होता है जिस देश का जो सबसे बड़ा मुखिया होता है वो चुना हुआ हो। तो हमारा देश रिपब्लिक है क्योंकि यहाँ का जो सबसे बड़ा मुखिया है वो चुना हुआ है, और मुखिया कौन है हमारे देश का, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तो वास्तविक तौर पे तो नहीं है ना, मतलब एक तरह से वो जो है ना रिपब्लिक, जो अगर आप अगर जैसे इंग्लैंड है वहां पे राजतंत्र है, वहां का जो मुखिया है वहां पे भी प्रधानमंत्री होता है, सारे काम प्रधानमंत्री के नाम पे होते हैं लेकिन साइन राष्ट्रपति के होते हैं। मुखिया का जो नाम है वो वहां राजा का है, हमारे देश में राष्ट्रपति का है, ठीक है। तो गणतंत्र का मतलब है जिसके नाम पे शासन चलाया जाता है, यहाँ पे शासन राष्ट्रपति के नाम पे जो है वही है, यहाँ पे संवैधानिक जो मुखिया है तो गणतंत्र कहलाता है भारत। स्वतंत्रता दिवस यानी जब हम आजाद हुए थे, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे। तो क्वेश्चन था राष्ट्रीय बालिका दिवस के अगले दिन क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, तो उसका अगला दिन जो हुआ वो 25 जनवरी हुआ, तो 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, 25 जनवरी को हम मनाते हैं राजत्व दिवस, यानी कि स्टेटहुड डे, यानी कि इस दिन हिमाचल जो है उसको राज्य का दर्जा मिला था, ठीक है, 25 जनवरी 1971 में। हिमाचल दिवस नहीं मनाते हम, हिमाचल दिवस मनाते हैं जिस दिन हिमाचल का गठन हुआ था, वो था 15 अप्रैल 1948 को, ठीक है। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं रहना, आपने दो स्टेट की छुट्टियां होती हैं इस दिन, एक स्टेटहुड डे की जिसको राजत्व दिवस कहा जाता है, जब हमारे को राज्य का दर्जा मिला वो मिला था हमारे को 25 जनवरी 1971, तो 25 जनवरी है इसका आंसर, राजत्व दिवस। और हिमाचल जो है वो 15 अप्रैल को जो है वो हिमाचल का गठन हुआ, तो हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को। गणतंत्र दिवस जो है वो 26 जनवरी को, ठीक है, और स्वतंत्रता दिवस जो है वो 15 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन कब होता है, 13 जनवरी 8 मार्च 13 फरवरी 20 फरवरी। आंसर देने से पहले थोड़ा सोच लेना इसको, राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन कब होता है, 13 जनवरी 8 मार्च 13 फरवरी 20 फरवरी, ठीक है। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं, आपने अपना आंसर चूज कर लिया, इसका आंसर है 13 फरवरी को, ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस। तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो सरोजनी नायडू के जन्मदिन पे जो है वो आयोजित होता है राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, 13 फरवरी को जो है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है, जिसको हम सारे सेलिब्रेट करते हैं, हम इसको नहीं सेलिब्रेट करते 13 फरवरी वाले को, ठीक है, हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को, और क्वेश्चन भी ज़्यादातर 8 मार्च का ही आता है, लेकिन अगर कहीं गलती से वहां राष्ट्रीय महिला दिवस आ गया तो फिर आपने 8 मार्च नहीं लिखना है, फिर आपने 13 फरवरी लिखना है। लेकिन अगर सिर्फ महिला दिवस आ गया, ना राष्ट्रीय आया ना अंतर्राष्ट्रीय, तब फिर आपने 8 मार्च ही लिखना है, अगर वहां पे 13 फरवरी नहीं होगा, ठीक है, 13 फरवरी होगा उन दोनों स्थिति में भी आपने 8 मार्च लिखना है, क्योंकि हो सकता है पेपर बनाने वाले को 13 फरवरी का नहीं पता हो, कई बार ऐसा भी होता है, ठीक है, वे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन 13 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस या विश्व वर्ल्ड हेल्थ डे बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एक ऑप्शन 7 मार्च, बी ऑप्शन 7 अप्रैल, सी ऑप्शन 15 अप्रैल, डी ऑप्शन 1 मई, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 मार्च 7 अप्रैल 15 अप्रैल 1 मई, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है एलडीआर वाले में, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय भी पूछा हुआ था, ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर में जाके देख सकते हैं, ठीक है। आंसर देखते हैं हम इसका, इसका आंसर है 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल 1948 को WHO का गठन हुआ था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। तो WHO का गठन हुआ था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य, जो दुनिया भर में स्वास्थ्य की जो जो है उससे रिलेटेड जो संगठन है उसको WHO कहा जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 1948 में 7 अप्रैल को जन्म हुआ, तो इसीलिए 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं हर साल, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आया था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है एग्जाम में LDR के, और ये भी क्वेश्चन आया था कि उसका मुख्यालय कहाँ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, WHO का, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और जो ग्रोथ चार्ट हम बोलते रहते हैं ना, वो WHO का ग्रोथ चार्ट है, वो विश्व स्वास्थ्य संगठन का बनाया हुआ ग्रोथ चार्ट है, ठीक है। तो WHO का मुख्यालय कहां पर है,
या आपने कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है, ठीक है। 1948 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, ए ऑप्शन, बी 12 मार्च, सी 16 मार्च, डी 20 मार्च, ठीक है। तो एलिमिनेशन से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक तो आप बाहर कर ही सकते हैं इसमें से, ए 8 मार्च, बी 12 मार्च, सी 16 मार्च, डी 20 मार्च। आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर है इसका 16 मार्च, ठीक है। 8 मार्च तो आप वैसे ही एलिमिनेशन से बाहर कर सकते हैं, फिर बचे हुए 3 ऑप्शन हो जाते हैं आपके पास 12, 16, 20। इसलिए कहा था कि थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा इस पेपर के लिए, कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। तो उसमें एक ये भी था, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस डे कब मनाते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस डे, आपने कमेंट बॉक्स में, ये जीके का क्वेश्चन भी है, ठीक है। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। रेड क्रॉस की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी, ठीक है। पर हम यहाँ पूछ रहे हैं आपसे रेड क्रॉस डे कब मनाते हैं, 7 मई, 8 मई, 13 मई या 26 मई को, ठीक है। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं, रेड क्रॉस डे 7 मई, 8 मई, 13 मई, 26 मई, ठीक है। तो आंसर है इसका, आंसर देख लेते हैं, आंसर है इसका रेड क्रॉस डे का 8 मई, ठीक है। तो 8 मई को हर साल रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, और जैसे रेड क्रॉस के जो भी सेलिब्रेट होते हैं, पर्चियां, इनाम जो भी हैं, ठीक है। तो रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने जो है कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है किसने की थी और कब की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाल मजदूरी निषेध दिवस, ठीक है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे कब मनाते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन है 5 जून, बी ऑप्शन 12 जून, सी ऑप्शन 14 जून, और डी ऑप्शन 23 जून, ठीक है। इसमें भी आप एलिमिनेशन राउंड से एक एक दो ऑप्शन तो वैसे ही बाहर कर सकते हो। बाल मजदूरी निषेध दिवस, तो ए 5 जून, बी 12 जून, सी 14 जून, डी 23 जून, ठीक है। हम आंसर देखते हैं इसका, आंसर है इसका 12 जून, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे जो है, बाल मजदूरी निषेध दिवस जो है, हम 12 जून को मनाते हैं, ठीक है। तो 5 जून तो वैसे ही बाहर हो गया था पर्यावरण दिवस के नाम पे, ठीक है। बाकी 3 बचते हैं ऑप्शन, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा जो है वो अगर आपको याद नहीं है तो कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9, 28 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, ए जनसंख्या दिवस, बी विश्व रक्तदान दिवस, सी विश्व हेपेटाइटिस डे, डी है डॉक्टर डे, ठीक है। 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है, ए जनसंख्या दिवस, बी विश्व रक्तदान दिवस, सी विश्व हेपेटाइटिस डे, या डी डॉक्टर डे, ठीक है। तो इसका आंसर आप चूज कर सकते हैं, हम आंसर देख लेते हैं इसका। तो 28 जुलाई को जो है विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो जनसंख्या दिवस है, पॉपुलेशन डे है, वो 1 जुलाई को मनाया जाता है, वो भी जुलाई के महीने में ही है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस भी आप जो है वो देख सकते हैं, हेपेटाइटिस डे कब शायद आए भी आगे, ठीक है। डॉक्टर डे कब मनाया जाता है, तो 28 जुलाई को हम हेपेटाइटिस डे मनाते हैं, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। क्वेश्चन नंबर 10, जो शिक्षक दिवस मनाते हैं हम 5 सितंबर को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, यहाँ पे मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं, नेशनल टीचर डे है ये, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है किसी और दिन मनाया जाता हो। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है भारत में सेलिब्रेट होता है, वो 5 सितंबर को सेलिब्रेट होता है, तो उस दिन किसका जन्मदिन था, ए पहले राष्ट्रपति का था, बी दूसरे राष्ट्रपति का था, सी पहले प्रधानमंत्री का था, डी दूसरे प्रधानमंत्री का था। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं, शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगर आपको उनका नाम पता है तो आपको ये भी पता होगा वो क्या थे, ठीक है। तो ए ऑप्शन पहले राष्ट्रपति, बी दूसरे राष्ट्रपति, सी पहले प्रधानमंत्री, डी दूसरे प्रधानमंत्री। आंसर देखते हैं इसको, आंसर है दूसरे राष्ट्रपति। शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को मनाते हैं, ठीक है। तो वो देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, यानी पहले राष्ट्रपति जो थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो उस समय उपराष्ट्रपति थे,
1950 से लेकर 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जो दो बार राष्ट्रपति बने। तो 12 साल तक सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उसी समय सबसे ज्यादा समय तक उपराष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, 62 तक। उसके बाद जो है फिर ये उनके मरने के बाद या 62 में राजेंद्र प्रसाद के बाद जो है भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तो इनके जन्मदिन पे जो है वो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, बाल दिवस किसके जन्मदिन पर 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो 14 नवंबर को बाल दिवस चिल्ड्रन डे मनाते हैं। ए पहले राष्ट्रपति, बी दूसरे राष्ट्रपति, सी पहले प्रधानमंत्री, डी पहले उपराष्ट्रपति, ठीक है। ए पहले राष्ट्रपति, बी दूसरे राष्ट्रपति, सी पहले प्रधानमंत्री, डी पहले उपराष्ट्रपति। आंसर देखते हैं इसका, ठीक है। बाल दिवस जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर 1889 को जन्म हुआ था भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे 1947 में बने थे, 14 नवंबर हम बाल दिवस उनके जन्मदिन पर मनाते हैं, चिल्ड्रन डे, ठीक है। और 1964 में जो है उनका निधन हो गया था, 27 मई को, मई के महीने में हुआ था उनका निधन, ठीक है। कई बार जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैं कहीं से पढ़ के नहीं देता हूँ, पर यह है कि जो नॉलेज है उसके आधार पर कई बार गलत भी हो सकती है वो। 27 मई मैंने उनका जो है, आपने एक बार चेक कर लेना उसको, अगर गलत होगा तो फिर आपने एग्जैक्ट डेट बतानी है, ठीक है। तो 14 नवंबर को जो है वो उनका जन्म हुआ था, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पहले पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे देश के, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। 31 अक्टूबर को जो उनका जन्मदिन हम मनाते हैं, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 12, ध्यानचंद का जन्मदिन कब होता है, ठीक है। ए 8 मार्च, बी 28 फरवरी, सी 29 अगस्त, डी 11 अक्टूबर को ध्यानचंद का जन्मदिन कब होता है, ठीक है। हॉकी का जादूगर के नाम से जाने जाते थे ध्यानचंद, ठीक है, हॉकी के जादूगर। ए 8 मार्च, बी 28 फरवरी, सी 29 अगस्त, डी 11 अक्टूबर। तो आंसर देख लेते हैं, ठीक है, आंसर है 29 अगस्त। तो जिस दिन ध्यानचंद का जन्मदिन है, हॉकी का जादूगर, ठीक है, महान खिलाड़ी हॉकी के, या भारत के महानतम खिलाड़ी बोल दें तो इसमें भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ध्यानचंद का जो जन्मदिन है वो 29 अगस्त को होता है, और उसी दिन भारत में खेल दिवस मनाया जाता है। हमारा राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है, नेशनल गेम, और खेल दिवस जो है हम 29 अगस्त को जो है सेलिब्रेट करते हैं ध्यानचंद के जन्मदिन पर। और इसी दिन जो ऐसे अर्जुन अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, ठीक है, और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जितने भी हमारे खेल पुरस्कार है वो इन्हीं के जन्मदिन पर दिए जाते हैं। 8 मार्च को आपको मैंने बताई दिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, साइंस डे, नेशनल साइंस डे। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व विकलांगता या दिव्यांगता दिवस कब मनाते हैं, ठीक है, डिसेबिलिटी डे जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है आपका LDR में। 5 दिसंबर, बी 1 दिसंबर, सी 3 दिसंबर, डी 23 दिसंबर, ठीक है। 5 दिसंबर, 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 23 दिसंबर, आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर है 3 दिसंबर, ठीक है। 1 दिसंबर को तो एड्स डे मनाते हैं, 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता या दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, ठीक है। 7 दिसंबर को हम झंडा दिवस मनाते हैं, फ्लैग डे, ठीक है, 7 दिसंबर को झंडा दिवस या फ्लैग डे मनाया जाता है, 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता या दिव्यांगता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस या विश्व पुरुष दिवस, ये एक ही दिन पड़ता है, वर्ल्ड टॉयलेट डे या, ठीक है, वर्ल्ड मैन डे, पुरुष दिवस, ये एक ही दिन है, वो कौन सा दिन है जिस दिन शौचालय दिवस और पुरुष दिवस मनाया जाता है। ए 10 नवंबर को, बी 19 नवंबर को, सी 21 नवंबर को, डी 23 नवंबर को, ठीक है। हिंट दे देता हूं मैं आपको, इस दिन इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था, ठीक है, 1919
ठीक है। तो ये 19 नवंबर को होता है विश्व शौचालय दिवस और विश्व पुरुष दिवस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, आयोडीन अल्पता विकृति दिवस आ गया, यहाँ पे विज्ञप्ति लिखा हुआ है, ये विकृति है, ठीक है। आयोडीन अल्पता विकृति दिवस, ठीक है, इसको आपने जो है वो विकृति पढ़ना है, ठीक है। तो ये किस दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है, आयोडीन अल्पता विकृति दिवस? 8-10 अक्टूबर, B-21 अक्टूबर, C-10 अक्टूबर, ये सारे ऑप्शन एक ही आ गए, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है, ठीक है, इसको देख लेते हैं, आंसर देखते हैं इसको सीधा, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ है 21 अक्टूबर को जो है हम आयोडीन अल्पता विकृति दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो 21 अक्टूबर को है ये एग्जाम में आया हुआ भी LDR के पेपर में, ठीक है। फिर विश्व खाद्य दिवस से एक दिन पहले 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस जो है ना, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। उससे एक दिन पहले 15 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ग्लोबल हाथ धुलाई दिवस, सी विश्व पोलियो दिवस, डी विश्व निमोनिया दिवस, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं इसका, आंसर है इसका ग्लोबल हैंड वॉश डे, ग्लोबल हाथ धुलाई दिवस, ठीक है। विश्व हाथ धुलाई दिवस या ग्लोबल हैंड वॉश डे जो है वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किसी और दिन मनाया जाता है, वो आपने पहले भी जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताया हुआ है, ठीक है। स्तनपान सप्ताह किस माह में मनाते हैं? बहुत सबसे आसान क्वेश्चन है, शायद यही ये क्वेश्चन कोई भी गलत ना करे। ए अगस्त के सब माह में, बी सितंबर के माह में, सी अक्टूबर के माह में, डी जनवरी के माह में, ठीक है। आंसर देख लेते हैं इसका, तो ये अगस्त के माह में मनाया जाता है, और स्तनपान सप्ताह जो है ये पहले जो है सप्ताह में, अगस्त के पहले 1 से लेकर 7 अगस्त को जो है वो स्तनपान सप्ताह जो है आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो ये 1 से 7 अगस्त तक जो है स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है अगस्त के माह में। पोषाहार सप्ताह अगर आगे आया नहीं तो मैं बता देता हूँ, पोषाहार सप्ताह भी आपको पता ही सितंबर के 1 से 7 सितंबर तक, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आ गया, सितंबर में पोषाहार सप्ताह मनाते हैं हम, ठीक है, 1 से 7 सितंबर तक। इसके अलावा और कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? ए स्तनपान सप्ताह बाहर कर सकते हैं आप इसको, बी हिंदी सप्ताह, सी ICDS जो है सप्ताह, ये हिंदी आ गया यहाँ पे, ये हिंदी नहीं आएगा, ICDS सप्ताह, डी जो है वो स्वच्छता सप्ताह, ठीक है। तो सितंबर में पोषाहार सप्ताह के अलावा क्या मनाया जाता है? ए स्तनपान सप्ताह, बी हिंदी सप्ताह, सी ICDS सप्ताह, डी स्वच्छता सप्ताह, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं इसका, सितंबर में जो है पोषाहार सप्ताह के अलावा जो है वो हिंदी सप्ताह मनाया जाता है 14 से 21 सितंबर को, और जैसा कि आप जानते हैं 14 सितंबर को पूरे देश भर में हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी डे, हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था, इसलिए 14 सितंबर को है हर साल हम हिंदी दिवस मनाते हैं, और 14 से 21 तारीख जो है वो हिंदी सप्ताह के रूप में जो है वो मनाई जाती है, ठीक है। स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। फिर विश्व निमोनिया डे कब मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? ए बी 19 नवंबर, बी 12 नवंबर, सी 25 नवंबर, डी 10 नवंबर, ठीक है। कंफ्यूजिंग है, सारी डेटें नवंबर की आ गई, ठीक है। विश्व निमोनिया दिवस ए 19 नवंबर, बी 12 नवंबर, सी 25 नवंबर, डी 10 नवंबर, ठीक है। तो 12 नवंबर को जो है वो विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 19 नवंबर को हमने पढ़ लिया, ठीक है, वर्ल्ड टॉयलेट डे, और ठीक है विश्व पुरुष दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं? ए 7 अप्रैल, बी 17 अप्रैल, सी 22 अप्रैल, डी 25 अप्रैल, ठीक है। ए 7 अप्रैल, बी 17 अप्रैल, सी 22 अप्रैल, डी 25 अप्रैल। तो कुछ आप एलिमिनेशन के द्वारा भी 2-3 ऑप्शन तो आप हटा सकते हो इसमें, ठीक है, फिर 2 ऑप्शन ही बचेंगे आपके पास,
तो ए 7, बी 17, सी 22 और डी 25 अप्रैल। ठीक है, आंसर देखते हैं इसका। आंसर है इसका 17 अप्रैल। ठीक है, तो विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है वो 17 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस अर्थ डे जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, फिर है 21 क्वेश्चन, आईसीडीएस सप्ताह किस माह में मनाते हैं? ए सितंबर माह में, बी अक्टूबर माह में, सी नवंबर माह में या डी दिसंबर माह में आईसीडीएस सप्ताह। ठीक है, तो आंसर देखते हैं इसका। ए सितंबर, बी अक्टूबर, सी नवंबर, डी दिसंबर। तो आईसीडीएस सप्ताह जो है वो नवंबर माह में मनाया जाता है। ठीक है, 14 से 21 नवंबर तक, बाकी ये आपने उसमें देखा भी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, महिला बाल विकास विभाग की केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है? ठीक है, केंद्रीय राज्य मंत्री पूछा है इसमें। ए स्मृति ईरानी, बी थावरचंद गहलोत, सी देवाश्री चौधरी और डी रामदास अठावले। ठीक है, ए महिला बाल विकास विभाग की केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है सेंटर में? ए स्मृति ईरानी, बी थावरचंद गहलोत, सी देवाश्री चौधरी, डी रामदास अठावले। आपने अपना आंसर दे दिया, हम आंसर देखते हैं यहाँ पे। आंसर है इसका देवाश्री चौधरी, श्रीमती सुश्री देवाश्री चौधरी जो है वो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं महिला बाल विकास की। ये राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री नहीं है। कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी है, राज्य मंत्री जो है वो देवाश्री चौधरी है। ठीक है, और थावरचंद गहलोत जो है वो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, कैबिनेट मंत्री है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था कैबिनेट मंत्री जो है वो बड़े होते हैं। ठीक है, और उनके अंडर जो है वो राज्य मंत्री कार्य करते हैं। तो राज्यों में तो ये राज्य मंत्री का दर्जा बहुत कम दिया जाता है, कैबिनेट ही बनते हैं ज्यादातर, पर केंद्र सरकार में ज्यादातर केंद्रीय मंत्री बनते हैं फिर। ठीक है, स्वतंत्र प्रभार के जो है मंत्री बनते हैं राज्य मंत्री, और बिना स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री बनते हैं। ठीक है, तो स्मृति ईरानी जो है वो महिला बाल विकास मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, और राज्य मंत्री जो है वो देवाश्री चौधरी है। जैसे हमारे अनुराग ठाकुर जो है वो राज्य मंत्री है, वित्त राज्य मंत्री। ठीक है, तो ऐसे ही महिला बाल विकास राज्य मंत्री जो है वो देवाश्री चौधरी, और महिला बाल विकास विभाग की कैबिनेट मंत्री जो है स्मृति ईरानी। ठीक है, थावरचंद गहलोत जो है वो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के जो है वो कैबिनेट मंत्री हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है इस समय? ए जयंती पटनायक, बी डेजी ठाकुर, सी रेखा शर्मा, डी मेनका गांधी। ठीक है, ए जयंती पटनायक, बी डेजी ठाकुर, सी रेखा शर्मा, डी मेनका गांधी, राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कब इसका गठन हुआ था। ठीक है, नेशनल वुमेन कमीशन। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग। आंसर देखते हैं इसका, तो इसका आंसर है वर्तमान में रेखा शर्मा जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। पहली अध्यक्ष जो थी वो जयंती पटनायक थी। ठीक है, पटनायक उड़ीसा, जयंती पटनायक जो थी वो पहली राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी। डेजी ठाकुर जो है, ठीक है, अगर ये आगे क्वेश्चन नहीं आया, अगर आया तो फिर तब तो कोई बात नहीं है, ये हिमाचल महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, अध्यक्षा हैं। ठीक है, यहाँ अध्यक्ष की जगह अध्यक्ष आना था। और मेनका गांधी तो पहले जो थी वो महिला बाल विकास मंत्री थी, अभी जो है नहीं है, अभी स्मृति ईरानी है कैबिनेट मंत्री। राजीव सहगल किस विभाग के मंत्री हैं? ठीक है, डिपार्टमेंट का नाम पूछा है। ठीक है, तो ए डब्ल्यू सी डी, महिला बाल विकास, बी ई सोमसा, ठीक है, एम्पावरमेंट ऑफ एससी ओबीसी माइनॉरिटी एंड स्पेशली एबल्ड, सी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी सामाजिक न्याय अधिकारिता, और डी आईपीएच, ठीक है, इरिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ। ए महिला बाल विकास, बी जो है कल्याण विभाग, सी जो है सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, डी जो है, ठीक है, वो इरिगेशन, ठीक है, सिंचाई और जन स्वास्थ्य मंत्री। तो देख लेते हैं, हम राजीव सहजल कसौली विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं। ठीक है, और इसी के अंतर्गत जो है वो डब्ल्यू सी डी और ई सोमसा आते हैं दोनों। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ए और बी दोनों हो सकता था, लेकिन एग्जैक्टली SJE ही है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है। हिमाचल प्रदेश डब्ल्यू सी डी महिला और बाल विकास की निदेशक कौन है, डायरेक्टर कौन है HPWCD के इस समय? ए निशा सिंह, श्रीमती निशा सिंह,
बी मिस कृतिका कुलारी, सी डेजी ठाकुर, डी श्रीमती मधुबाला शर्मा। ठीक है, ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं हम। ए निशा सिंह, बी कृतिका कुलारी, सी डेजी ठाकुर, डी जो है मधुबाला शर्मा। तो वर्तमान में जो है वो कृतिका कुलारी जो है महिला और बाल विकास निदेशक हैं। ठीक है, निशा सिंह जो है वो सेक्रेटरी हैं इसमें, ठीक है, सचिव हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, और डेजी ठाकुर ने देख बताई दिया हिमाचल महिला आयोग की अध्यक्षा हैं और पहले थी डायरेक्टर मधुबाला शर्मा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कितने सुपरवाइजर सर्कल्स हैं टोटल? ए 750, बी 808, सी 910, डी 18386। ठीक है, ए 750, बी 808, सी 910, डी 18386। तो आंसर देख लेते हैं, कुल 808 पर्यवेक्षक वृत्त हैं पूरे हिमाचल में, 78 ब्लॉक्स में जिनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, और 18386 जो है वो हम आगे अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सर्कल दें 808। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में मिनी आंगनवाड़ी केंद्र कितने हैं? ये डबल आई लग गया यहाँ पे, एक ही आना था आई। ठीक है, तो हिमाचल में मिनी आंगनवाड़ी जो है वो कितने हैं? 18386, 539, 526, 18925। ठीक है, इसका आंसर चेक करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो मिनी आंगनवाड़ी है वो 539 है, फुल फ्लैज आंगनवाड़ी 18386 है। तो टोटल आंगनवाड़ी जो है वो मिनी प्लस फुल फ्लैज आंगनवाड़ी वो 18925 बनते हैं। ठीक है, 18386 जो है वो आंगनवाड़ी केंद्र, मिनी आंगनवाड़ी केंद्र 539, और दोनों को जोड़कर 18925 बनते हैं। ठीक है, तो इस वाले का आंसर है 539। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति कुपोषित बच्चों को जो है वो जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है उसके अंतर्गत किस रेट जो है उनके लिए कितना रेट स्वीकृत है SNP के लिए? ए 12 रुपये, बी 9 रुपये, सी 10 रुपये, डी 9.5 रुपये। ये जो है ये इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 से डाटा लिया गया है, दो महीने बाद जो है 19-20 का जो है वो आएगा, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा, और अगर कुछ चेंजेस होंगे तो आंसर देखते हैं। अति कुपोषित बच्चे के लिए जो है वो 12 रुपये अभी का रेट है SNP का। ठीक है, उनको डाइट का जो चार्ट है प्रतिदिन के हिसाब से। गर्भवती महिला और धात्री है, यहाँ पे गलत प्रिंट हुआ है, को SNP किस रेट से स्वीकृत है? ए 12 रुपये, बी 9 रुपये, सी 10 रुपये, डी 9.5 रुपये। आप अपना आंसर दे सकते हैं, ए 12, बी 9, सी 10, डी 9.5 रुपये। गर्भवती धात्री को SNP किस रेट से स्वीकृत है? आंसर देखते हैं हम, इसका आंसर है 9.5 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा फोर्टिफाइड फूड आंगनवाड़ी में नहीं मिलता? मतलब आंगनवाड़ी में ये सभी चीजें मिलती हैं, ए न्यूट्रमिक्स, बी दूध, सी नमक, डी चावल। ठीक है, तो कौन सा इनमें से फोर्टिफाइड फूड नहीं है, ये एक्चुअली क्वेश्चन ना। तो कौन सा फोर्टिफाइड फूड जो है आंगनवाड़ी में नहीं मिलता? ए न्यूट्रमिक्स, बी दूध, सी नमक, डी चावल। ठीक है, तो इसमें से कौन सा फोर्टिफाइड फूड नहीं है? न्यूट्रमिक्स, दूध, नमक, चावल। आप हमने अपना आंसर दे दिया, हम आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर है चावल। ठीक है, न्यूट्रमिक्स, दूध और नमक, ये तीनों फोर्टिफाइड आइटम है, तेल भी फोर्टिफाइड आने लग गया अब तो आंगनबाड़ी में। ठीक है, फोर्टिफाइड फूड मतलब जिसमें जो है भोजन में जो है वो पोषक तत्व जो है वो पहले से मिला दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसको अलग से खाने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे नमक में आयोडीन मिला दिया जाता है। ठीक है, तो एक तरह से नमक को फिर फोर्टिफाइड फूड कहा जाता है, पोषक तत्व उसमें शामिल कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो चावल जो है वो अभी फिलहाल फोर्टिफाइड नहीं है। ठीक है, तो ये जो थे ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे जो हमने आपके सामने लाए। ठीक है, तो धन्यवाद।